लेट्स सॉल्व दिस न्यूमेरिकल हाउ ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम विल हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स एज सिक्स ऑफ कार्बन हैव एक्चुअली इसमें हमने ये फाइंड आउट करना है कि मैग्नीशियम के कितने ग्राम्स लें कि इसमें इतने ही नंबर ऑफ़ एटम्स होने चाहिए जितने कार्बन के सिक्स ग्राम्स में होते हैं नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम हमने फाइंड आउट करना है जबकि मैग्नीशियम का मोलर मेज ट्वेंटी फोर ग्राम पर मोल होता है नंबर ऑफ़ ग्राम्स ऑफ कार्बन गिवन है जो कि है सिक्स ग्राम और कार्बन का मोलर मेस होता है ट्वेल्व ग्राम पर मॉल एज वी नो दैट किसी भी सब्सटेंस के वन मॉल में हमेशा नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल होते हैं और इसे एवोगेड्रोस नंबर कहते हैं इसकी वैल्यू हमेशा सिक्स पॉइंट जीरो टू टाइम्स टेन रेस्ट पावर ट्वेंटी थ्री होती है सो वी कैन राइट Number of moles of magnesium is equal to number of moles of carbon. Number of moles of magnesium is equal to mass of magnesium divided by molar mass, and number of moles of carbon is equal to mass of carbon divided by molar mass. मैस ऑफ मैग्नीशियम हमने फाइंड आउट करना है जबकि इसका मोलर मैस ट्वेंटी फोर ग्राम पर मोल होता है मैस ऑफ कार्बन सिक्स ग्राम है जो कि गिवन था मोलर मैस ऑफ कार्बन ट्वेल्व ग्राम पर मोल होता है मैस ऑफ मैग्नीशियम सॉल्व करने से आता है जी ट्वेल्व ग्राम इट मीन्स दैट अगर हम मैग्नीशियम के ट्वेल्व ग्राम्स लें तो इसमें इतने ही नंबर ऑफ़ एटम्स होंगे जितने कार्बन के सिक्स ग्राम्स में होते हैं अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल टेक केयर एंड बाय